याद रखो, एक परमेश्वर की परफेक्ट विल है, उसकी एक इच्छा है आप लोगों की लाइफ के लिए। उसके पास कोई बी प्लान आप लोगों के लिए नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही प्लान है आप लोगों के लिए। लेकिन जब इंसान उस प्लान पे खड़ा नहीं रह पाता तो वो सेकंड प्लान में शिफ्ट होता है, जहां पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स भी होती और प्रॉब्लम्स भी होती। अगर परमेश्वर ने आपको एक जगह सेवा के लिए चुना और अगर आप वहां खड़े नहीं रह पाएंगे, वो कोई भी जगह हो, तो दूसरी जगह आपके पास ब्लेसिंग्स होंगी लेकिन ट्रबल्स भी होंगे। लेकिन जो जगह, जो स्थान, जो समय परमेश्वर ठहराए, उसके बीच में आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स और अपलिफ्टिंग ही मिलेगी। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस प्लान में बने रहने के लिए, परमेश्वर की इस योजना को समझने के लिए, इसको पूरा करने के लिए आपको, मैं कह सकता हूं, आपको कड़ा माथा चाहिए और प्योर फेथ चाहिए। कड़ा माथा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब भी परमेश्वर का परफेक्ट प्लान आपकी लाइफ में एंटर करेगा, आप रिजेक्शन में जाओगे, विरोध होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, ट्रबल्स होंगे। मोस्टली विरोध आपकी फैमिली मेंबर से हो सकता है, सिर्फ उस परफेक्ट प्लान से आपको दूर करने के लिए। और एक बार जब आप परफेक्ट प्लान से दूर हुए, उसके बाद आप उतने इफेक्टिव नहीं हैं जितना परमेश्वर आपको बनाना चाहता था। अगर शैतान को मालूम है कि ये बंदा परमेश्वर से हटेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे काम करना चाहता है आपकी लाइफ में जहां से आप परमेश्वर की परफेक्ट विल से हट के आप दूसरी इच्छा में घुसो जो आपकी इच्छा के साथ मिली हुई। परमेश्वर ने एक नबी को बोला कि जा फलाने राजे को मेरा मैसेज दे, और जब उस राजे ने उस नबी के मैसेज को सुनकर उसकी तरफ मारने लगा तो उसका हाथ खड़ा हो गया, उसको पैरालाइज हो गया। मतलब इतना परमेश्वर नबी के साथ। और परमेश्वर ने उस नबी को बोला था कि तू कुछ खाना और पीना नहीं, और जिस रास्ते गया दूसरे से वापस आ जाना। और जब वो नबी जा रहा था तो पीछे एक बूढ़े नबी ने उसको मैसेज दिया कि परमेश्वर ने मुझे कहा है तू आ और मेरे साथ खा पी। और वो नबी परमेश्वर की परफेक्ट विल में नहीं था। आज क्या आपको लगता है कि हर सेवक परमेश्वर की परफेक्ट विल में है? नहीं। क्या हर विश्वासी परफेक्ट विल में है? नहीं। और जैसे ही वो यंग नबी गया, उसने खाया और पिया और परमेश्वर ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, अभी भी प्रभु उससे बात कर रहा है। और रास्ते में जब वो जा रहा था तो शेर उसको मारता है और लोग हैरान होते कि शेर ने मारा और खाया नहीं, क्योंकि तो शेर जब मारते हैं 99.9999% वो सिर्फ खाने के लिए मारते हैं, उस वैसे नहीं। कई बार वो जानवर को उसके सामने से निकल जाते हैं, वो छेड़ते नहीं क्योंकि उनको भूख नहीं लगी होती। तो वो परमेश्वर मैसेज दे रहा था कि ये मैंने भेजा क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का तिरस्कार किया। आज अगर किसी चीज को आपको जरूरत है, किसी चीज की, वो है द परफेक्ट विल में घुसना, परमेश्वर की परफेक्ट विल आपकी लाइफ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी वाइफ के लिए, कि परमेश्वर की परफेक्ट विल में हमें कैसे घुसना। याद रखो, बाइबल कहती इसराइलियों ने परमेश्वर की परीक्षा की। बाइबल कहती इसराइलियों ने परमेश्वर से कहा हम वहां अच्छे थे क्योंकि वहां पर हम मांस खा रहे थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और बाइबल कहती मांस तो भेजा पर उनके प्राणों को सुखा दिया। आज मुझे इस बात को सुनने की जरूरत है कि अगर कोई विश्वासी ये प्रार्थना करेगा और प्रभु से मांगेगा कि आपकी मैरिज एक अविश्वासी जिसको आप पसंद करते हो जाए, तो आपकी मैरिज उसके साथ हो जाएगी, बाइबल ऐसा कहती है। पर क्या ये परफेक्ट विल है या परमिसिव या एक सेकंड विल है या एक बी प्लान है जिसमें परमेश्वर आपके साथ नहीं? क्या ये परफेक्ट विल है या नहीं? क्योंकि अगर परफेक्ट विल हो
तो उसमें ब्लेसिंग्स होंगी। जो फाइट सिर्फ यहोवा ठहराएगा आपकी ग्रोथ के लिए वो होंगी, लेकिन कुछ फाइट्स परमेश्वर की ओर से नहीं, वो हमने मोल ली। और इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, उसने वचन को आपको दिया, उसने अपने दासों को ठहराया, उसने पवित्र आत्मा आपको दिए ताकि वो आपको हमेशा गाइड करता रहे कि आप परमेश्वर की परफेक्ट विल में किस तरह बने।